one is melodramatic, one is emotional. okay, and the second one is realistic. Ab, emotional valikandar, uh, there is an emotional influence in your life. Uh, it can be two ways. ektherika, yeah, that uh, you yourself got ill and uh, you spent a couple of uh, you know, weeks or days or time in the hospital and you were really influenced by the doctors or the nurses or anyone over there. and that uh, basically, uh, sowed the seeds of choosing this career in yourself, and then you eventually began to love this career. Here, the second way can be that you had a loved one, okay? of someone who's, who might not even be in the world anymore, and they suffered a terminal illness or just an ordinary illness, and had a connection, and you saw how doctors made an impact on their life and the people around them, and that inspired you to choose this career as your option. तो इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है दैट दे वुड अगर आप ये कह दो दैट यू यू नो हेल्प ह्यूमैनिटी एंड हेल्प पीपल इन ऑल दैट दिल से कि एक वाई डोंट डोंट यू बी अ नर्स और यू नो एनी थिंग अदर देन अ डॉक्टर बेसिकली तो वो आपको क्वेश्चन बैक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा काउंटरिंग इस पर होगी आपकी दी अदर वे इज़ टू बी रियलिस्टिक ठीक है अब रियलिस्टिक में भी देर आर टू कैटेगरीज वन इज़ फाइनेंशियल कैटेगरी इसके अंदर आपने उनको रियलिस्टिकली बताना है कि जी हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं हमारी फैमिली में ठीक है एंड आई वॉन्ट टू चूज़ अ करियर दैट इज़ वेरी स्टेबल बिकॉज आई वॉन्ट टू सपोर्ट अ लॉट ऑफ पीपल अपनी फैमिली में भी अपने आप में भी तो इसमें आपको जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सेम अगेन दैट डेट से कि जी वाई वाई नॉट एन एनी अदर फील वाई एम बी बी एस एम बी बी एस में तो आपको पहले इन्वेस्ट बहुत करना पड़ेगा फीसिज बहुत देनी पड़ेंगी तो क्यों तो यू ऑलवेज हैव टू एड अदर रीजन अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल रीजन ठीक है बिकॉज समाइम्स some, थोड़ा अर्ड भी लगता है अगर आप सिर्फ फाइनेंस को मैंशन करो पैसों के चक्कर में आप एम बी बस करो दैट नॉट अ गुड रीजन तो द अदर पार्ट ऑफ बींग रियलिस्टिक इज द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ एम बी बी एस तो द अदर रीजन इज यू नो दैट एम बी बी एस इज़ अ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस एंड प्रोग्रेसिव डिग्री तो उसका आप उनको ये बताओ दैट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू हैव लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड फॉर मी टू चैलेंज माई सेल्फ लाइफ लॉन्ग ठीक है तो कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं लाइफ लॉन्ग अपने आप को लर्न भी करूँगा चैलेंज भी करूँगा ख़त्म नहीं होगी लर्निंग और uh, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मैं चुप करके बैठ जाऊँगा और आगे ग्रो नहीं करूँगा देर इज ऑलवेज मोर टू लर्न मोर टू डिस्कवर मोर टू इन्वेंट और मोर पीपल टू हेल्प ठीक है अच्छा नाउ वेयर कैना डू अ मॉक आंसर कि एक अच्छा स्ट्रॉक आंसर क्या होता है ठीक है सो यू गना स्टार्ट वेयर यू कैना टेल दैम कि जी यू योर सेल्फ और मे बी समन क्लोज टू यू सफर्ड इन इलनेस एंड यू सॉ दैट डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देर लाइफ एंड ऑन द पीपल अराउंड दैम उनको कैसे होप मिला कैसे उन्होंने हेल्प की कैसे उन्होंने मेहनत की उनके ऊपर Okay, you're gonna say that eventually I started to learn more and more about this career. I figured out that this career would challenge me and uh, there, there would be lifelong learning platforms for me. I would grow, I would learn, and uh, I would help people. so that would give me my own personal satisfaction as well, and then. Uh, आई रेजुनेट अलॉट मेरी पर्सनैलिटी बहुत रेजुनेट करती है इस करियर के साथ इस प्रोफेशन के साथ देन यू उड से जी डू मैंशन कोविड नाइन्टीन द होल पैंडमिक टेल दैम के हाउ यू सॉ डॉक्टर्स व फ्रंट लाइन वर्कर्स इन दैट इंसपायर्ड यू अगैन और uh, इसमें आपका यह भी कवर हो जाएगा दैट यू वन हेल्प पीपल बट यू ऑल्सो वन चूज अ करियर दैट इज़ यू नो रियली चैलेंजिंग लाइक एन एम बी बी एस डॉक्टर तो इस तरह का एक स्ट्रॉग आंसर आपने उनको क्रिएट करके देना है ओनली देन विल यू बी एबल टू यू नो Uh, satisfy all their counter questions. Thank you.